फ्रेशर से ही जॉब करे या फिर MBA करके सिलेक्ट हो जाए या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करे, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, डिपेंड करता है आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मेरा इंडस्ट्री बहुत प्राउड फील होता है मुझे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर। लगभग 6 से 7 साल मैंने इस इंडस्ट्री में स्पेंड किया है और अगले 10 सालों में एक सेक्टर जो सस्टेनेबल रहेगा वो है सोलार। आपकी आइडियल कंपनी है उसमें आपको जॉब मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ फटाक से कर लो। वो हो सकता है आपका कि भाई शुरुआती सिखाने का पैसा दे रहे, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो पहले 2-3 साल तक सीख लो। अगर ये घर बैठे डिलीवर करता है तो इसकी अलग से कोई प्रोक्योरमेंट टीम होगी, इसकी कोई R&D टीम होगी, इसकी कोई क्वालिटी टीम होगी, फील्ड के ऊपर इसकी कोई टीम होगी जहाँ पर उन्हें सिर्फ एग्री ग्रेजुएट ही मदद कर सकते। अभी आपका पसंदीदा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है कि जॉब कैसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत है। अगर टेक्नो विमल चैनल के ऊपर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो आप मुझे जानते होंगे। पुराना वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने बताया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन से जॉब उन्हें कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है थोड़ा सा कम रिसर्च के साथ वो वीडियो बनाया गया था, बहुत सारे कमेंट भी आए थे और उन बहुत सारे कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि सर थोड़ा डीप में वीडियो बनाओ। जब हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के बाहर बाद जब बाहर निकलते हैं तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनी के नाम क्या है, उन कंपनी के एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, कैसे हम आसानी से उन कंपनी में अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, कितनी वो सैलरी हमें देते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। उन सारे कमेंट्स के जवाब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके मन में जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा, वीडियो आखिर तक देखना है। अगर आप वीडियो ये आखिर तक देखते हो तो डेफिनेटली खास आपके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज रहेंगे। चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। इंडिया में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको जॉब देंगे? आसान है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल, यही कुछ अभी बचे हैं सेक्टर जिसमें आपको जॉब मिलेंगे। एग्रीकल्चर में अलग अलग फील्ड्स हैं, है ना, जॉब के डिजिग्नेशन के अनुसार, जॉब के प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग फील्ड्स हैं या फिर एग्रीकल्चर के ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग फील्ड्स बनी है। उसको अगर हमें समझना है, मान लो एग्रीकल्चर में क्या आता है, एग्रीकल्चर में एक फार्मर आता है जो खेती करता है और बुवाई से लेके कटाई तक उस फार्मर को जो जो चीज़ें चाहिए वो होते हैं अलग अलग फील्ड्स और उसमें अलग अलग कंपनियाँ और उन कंपनी में अलग अलग जॉब। क्या करता है किसान? किसान को पहली तो चीज़ चाहिए इनपुट, इनपुट यानी कुछ उसको उर्वरक चाहिए, खाद चाहिए एक फसल खड़ी करने के लिए। तो इनपुट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम डिटेल में जानकारी लेंगे। दूसरा आता है प्रोडक्शन, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा ट्रेड, पांचवा प्रोसेसिंग, यानी प्रोडक्शन के बाद जो हमारा निकलता है पोटैटो, पोटैटो का प्रोसेसिंग क्या होगा, उसके चिप्स बनेंगे, ये एक अलग से इंडस्ट्री है प्रोसेसिंग की। उसके बाद आता है सेल्स, जो चिप्स बनाए उसको बेचना भी है। उसके बाद आता है मार्केटिंग, ये जब हम सेल्स करने जाते हैं ना उसका एक मार्केटिंग हमें करना पड़ता है कि किस तरह से हम इसका सेल्स करेंगे, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। और उसके बाद में आता है सेक्टर कि ये सारा जो पैसा जमा होगा वो जाता है बैंकिंग सेक्टर में। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर में, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट और उसके अलग अलग जॉब। सबसे डिटेल में जानकारी देखेंगे हम यहाँ पर इनपुट सेक्टर्स की। इनपुट सेक्टर में कौन कौन से अलग अलग सब सेक्टर है जहाँ पर आपको अलग अलग कंपनियाँ मिलेंगी। इनपुट सेक्टर अगर देखा जाए तो इस इनपुट सेक्टर में सीड्स, नर्सरी, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, इरिगेशन, इक्विपमेंट यानी ट्रैक्टर हो सकता है, कोई पावर टिलर हो सकता है, कोई स्प्रेयर हो सकता है, लेबर्स अलग में एक इंडस्ट्री बन चुकी है अभी, ट्रेड, आईटी सेक्टर्स भी अभी बहुत ग्रो कर रहा है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट और उसके बाद आता है कि सर्विस सेक्टर। ये अलग अलग सब सेक्टर्स हैं। तो जैसे मैंने अभी ये सब सेक्टर लगभग 11 सब सेक्टर्स आपको बताए, इन सब सेक्टर्स में कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जिनमें हमें जॉब
करना चाहिए या फिर अपना गोल होना चाहिए कि मुझे भाई मुझे सीड की इंडस्ट्री में इस कंपनी में जॉब मिलना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो हम सब सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन सी कंपनियाँ हैं। अगर हम सीड की बात करें तो कुछ ब्रांड्स जैसे कि एडवांटा सीड, अजीत सीड, अंकुर, कावेरी सीड, राशि सीड, निर्मल सीड, कलश, महिको, जेके सीड्स, ये अलग अलग कंपनियाँ हैं, बहुत रिप्यूटेड कंपनियाँ हैं, बहुत दिनों से काम कर रही है मार्केट में। और अगर आपका जॉब इस कंपनी में लग जाता है तो करियर सेट। तो ट्राई करो कि अगर आपको सीड इंडस्ट्री में जाना है तो इन्हीं कंपनी में अप्लाई करना है। तो डिटेल में आप बाद में देख सकते हो, लगभग 200 से 250 सीड की कंपनियां का मैंने यहाँ पर लिस्टिंग किया है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस सारा आपको दे दिया है। मतलब एक घंटा बैठोगे तो 200 कंपनी को आप अप्लाई कर सकते हो इसकी मदद से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। मेरा इंडस्ट्री बहुत प्राउड फील होता है मुझे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर, लगभग 6 से 7 साल मैंने इस इंडस्ट्री में स्पेंड किया है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इंडिया के बड़े प्लेयर अगर हम देखते हैं तो दीपक, जुहारी, कोरोमंडल, नागार्जुना, यारा, चंबल फर्टिलाइज़र, RCF आता है, ICL आता है, UPL आता है, क्रिप्को, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं इंडिया के फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करें, कौन सी कंपनी में किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करें, इन कंपनी में कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, उन डेजिग्नेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है और उस क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको कैसे अप्लाई करना है, या फिर 100% हायरिंग के लिए क्या टिप्स आपको यूज करनी है, ये सारा मैं बताऊंगा। बस अभी कंपनीज के नाम देख लो। इसके बाद जो सेक्टर आता है वो एग्रोकेमिकल का। भाई सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रोकेमिकल्स। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, दुनिया भर फैल चुकी है कंपनियां, और किसान सबसे ज़्यादा कोई इनपुट अभी फार्मिंग में यूज करता है तो वो है एग्रोकेमिकल्स। कौन से ब्रांड है, कौन से बड़े प्लेयर है एग्रोकेमिकल्स में? धानुका, अदामा, BASF, सिजेंटा, टाटा, बायर, ऐसे कई सारे सैकड़ों ब्रांड्स हैं। स्क्रीन के ऊपर जितने ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, अगर इन ब्रांड्स में आप अप्लाई करते हो, अगर आपको इन ब्रांड्स में जॉब मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके करियर के ग्रोथ के लिए। तो ट्राई कीजिए, अगर आप एग्रोकेमिकल्स में आपका करियर करना चाहते हो तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इन ब्रांड के साथ सर्च कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कई लोग इरिगेशन में अपना करियर करना चाहते हैं। इरिगेशन अपने आप में एक सब्साइडनरी ग्रो कर रहा है, इसमें आपको बहुत कम ब्रांड मिलेंगे क्योंकि ये ऐसा है कि 20-80 का फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया है। 20% ब्रांड 80% मार्केट को कवर कर रहे हैं। तो ये ब्रांड अगर देखोगे तो जैन, नेटाफिम, कोठारी, फिनोलेक्स, महिंद्रा, रिव्यूलिस, ऐसे कुछ चुनिंदा ब्रांड्स हैं जो इरिगेशन का पूरा जो मार्केट है वो कवर करके बैठे हैं। दूसरा सब सेक्टर देखते हैं एग्रीकल्चर का कि इक्विपमेंट ये भी एक अलग से ग्रो कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक तकनीक फार्मर यूज करने लगा है एग्रीकल्चर में। पहले छिड़काव के लिए कोई ऐसे साधन नहीं थे अलग अलग, अभी पंप आ चुके हैं। पहले मैनुअल पंप थे, अभी पावर ऑपरेटर, मोटर ऑपरेटर पंप आ चुके हैं। तो ये इक्विपमेंट सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर्स है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री अलग है, स्प्रेयर इंडस्ट्री अलग है, अलग अलग छोटे मोटे जो इक्विपमेंट आता है एग्रीकल्चर के लिए उसकी इंडस्ट्री भी अलग है। दोस्तों इसके बाद आता है एग्रीटेक सेक्टर। पिछले 10 सालों में ये सेक्टर ग्रो किया है, बहुत स्पीड के साथ ग्रो किया है। मतलब जो 30-40 साल से जो बड़े प्लेयर मार्केट में बैठे हैं इनको भी ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और मैं पर्सनली आपको ये सलाह दूंगा कि अगले 10 से 15 सालों में ये सेक्टर तो नहीं मरेगा भाई, और बहुत स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। तो अगर आप करियर करना चाहते हो, एक ऑफिस जॉब करना चाहते हो, तो एग्रीटेक कंपनी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगी। एग्रीटेक कंपनियां वो होती है जो नई टेक्नोलॉजी के आधार के साथ किसानों को फार्मिंग सॉल्यूशन देती है, एडवाइजरी देती है। जो जो अलग अलग इनपुट्स लगते हैं, लाइक कोई सीड लगता है, फर्टिलाइज़र लगता है, तो किसान को वो ऑनलाइन खरीदने में मदद करती है। उनका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकता है। आप एग्रीटेक में ज़रूर ट्राई करना। और ये स्टार्टअप है तो फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, झट से आपको जॉब लग सकता है। अलग अलग ब्रांड्स लाइक भारत एग्री, बिग हार्ट, निंजा कार्ट, एग्रोस्टार, देहात, और अलग से जो मैंने शीट बोला था उस शीट में भी डाल के आपको इनके नाम दे दूंगा। तो सिंपली आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये एक अलग इंडस्ट्री पिछले 6-7 सालों में ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोगों को ये इंडस्ट्री नहीं पता है, लेकिन अगर आप थोड़े से अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे
ऐप है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं आपको घर बैठे वेजिटेबल्स से फ्रूट्स है जिसे हम फार्म प्रोड्यूस बोलते हैं वो आपके घर बैठे डोर स्टेप में लाके देती हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एग्री ग्रेजुएट है कि हमें इसमें जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि मान लो चलो एक बिग बास्केट कंपनी है, तो बिग बास्केट क्या करता है, आपको घर बैठे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डिलीवर करता है। अगर ये घर बैठे डिलीवर करता है तो इसकी अलग से कोई प्रोक्योरमेंट टीम होगी, इसकी कोई R&D टीम होगी, इसकी कोई क्वालिटी टीम होगी, फील्ड के ऊपर इसकी कोई टीम होगी, है ना, जहाँ पर उन्हें सिर्फ एग्री ग्रेजुएट ही मदद कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ एग्री ग्रेजुएट ही मदद कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें एग्रीकल्चर का काम चल रहा है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि उस इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की ही ज़रूरत है। ठीक है, थोड़े से स्किल ग्रेजुएट की ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत है। तो ये भी कुछ इंडस्ट्रीज है आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिंपली वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कैसे अप्लाई करना है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो कंपनीज के नाम मैंने नहीं दिए हैं लेकिन उस लिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे, जैसे पॉलियोस के कुछ इंडस्ट्रीज़ है, कुछ ट्रैप्स जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग में यूज होते हैं उसके भी अलग अलग खुद की इंडस्ट्रीज़ है, मल्चिंग पेपर हो गया, मशीनरीज हो गई जैसे स्प्रे में मैंने बोला था। और अगले 10 सालों में एक सेक्टर जो सस्टेनेबल रहेगा वो है सोलार एनर्जी, जो फार्मिंग में बहुत अभी हेल्प कर रही है, और साथ ही एनिमल फीड। तो ये भी अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें अलग अलग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और एग्री ग्रेजुएट के लिए डेफिनेटली वहाँ पर जॉब है। तो इसलिए सेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका पसंदीदा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है कि जॉब कैसे मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक कंपनी में कितनी टीम्स होती है या फिर एक कंपनी में कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर जॉब होते हैं। एग्रोनॉमी टीम है, मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, टेक टीम है, ईकॉम है, डेवलपमेंट है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। तो ये अलग अलग टीम्स है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको पता चला होगा कि इसमें आपको मार्केटिंग में जगह मिल सकती है, एग्रोनॉमी में जगह मिल सकती है, सेल्स में जगह मिल सकती है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जगह मिल सकती है, अगर वो इंडस्ट्री एग्री बेस है तो। मतलब उस इंडस्ट्री में चार ऐसे अलग अलग टीम्स होंगे जहाँ पर एग्री ग्रेजुएट की मदद लगेगी। अभी सिंपल क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो आपके डिग्री के लिए ना बहुत कम वैल्यू है। थोड़ा सा बुरा लगेगा, हमने 4 साल दिए हैं, रात रात बैठ के पढ़ाई की है, लेकिन ये रियल कंडीशन है कि डिग्री के लिए बहुत कम वैल्यू है। शेट वैल्यू है आपके पास कौन से स्किल्स है, वैल्यू है आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर उस कंपनी में जा रहे हो, और वैल्यू है कि अभी के लिए आपके दिमाग में कितना नॉलेज है। ये बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में जॉब है लेकिन देखो ना कि अभी मुझे विमल ने बोला कि सर क्या ऐसी स्थिति आई है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए बहुत कम है जॉब है, अगर है तो बहुत कम पैसा देते हैं। मैंने विमल को एक एग्जाम्पल दिया, मान लो एक वेजिटेबल का मार्केट है, उस वेजिटेबल के मार्केट में टमाटर बहुत आ रहा है, मतलब फार्मर ने इस साल बहुत टमाटर लगाया, इतना इनपुट आ गया, मतलब इनकम इतना आया टोमेटो का कि टोमेटो के दाम गिरने लगे, मतलब 2-3 रुपया किलो टमाटर बेचने लगा, कई सारे किसानों ने तो रास्ते पे फेंक दिया। वैसा ही सीन है अभी इंडस्ट्री का, हर एक इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का नहीं, हर एक इंडस्ट्री का वैसा ही सीन है कि ग्रेजुएट इतने बाहर निकल रहे और जॉब उतने है नहीं, है ना। तो क्या होगा, मतलब जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी कंपनी होगी, अपने मन का चलाएगी। जॉब लेना है तो हम यही सिनेरियो पकड़ेंगे, फिल्टर करना है, सॉल्टी करना है, मैं मेरी तरफ से करूंगा। तो आपको उस क्राउड से अलग दिखना पड़ेगा। 100 लोगों से अगर आप अलग दिखोगे, अलग बिहेव करोगे, अलग आउटपुट दोगे, अलग स्किल के साथ आओगे तो आपके लिए डेफिनेटली जॉब मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि कंपनी में टीम्स देखी, उन टीम्स में क्वालिफिकेशन देखा, क्वालिफिकेशन के हिसाब से डेजिग्नेशन कौन से मिलेंगे, कौन से डेजिग्नेशन पे आपको जॉब मिलेगा। सिंपल से होते हैं, अगर कोई कंपनी फील्ड के ऊपर काम करती है तो उसमें फील्ड ऑफिसर, मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजन हेड, स्टेट हेड, कंट्री हेड या फिर एशिया हेड तक वो जा सकता है। अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी लैब में या फिर ऑफिस में काम करती है तो उसमें सिंपल्स कौन कौन से डिजिग्नेशन होते हैं, एग्रोनॉमिस्ट होता है, ट्रेनर होता है,
क्वालिटी एनालिस्ट होता है और डिजिटल इकोनॉमिस्ट होता है, जो मैंने अभी एग्रीटेक की बात की। अगर कोई कंपनी ऑफिस से उसका एक पूरा कंपनी है, ऑफिस के बाहर कुछ एम्प्लॉय नहीं है, तो उस कंपनी में एडवाइजर, टीम लीडर, एसोसिएट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का मालिक, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप फ्रेशर हो, ग्राउंड से ही शुरू करेंगे, है ना, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ग्राउंड से ही शुरू करना होगा। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि ग्राउंड से, स्क्रैच से ही चीज़ें शुरू करो। भले पैसा कम मिलेगा, लेकिन अब हम उसमें दिल जान से अगर अपना एफर्ट्स डालेंगे तो एक दिन ऊपर तक भी जाएंगे। दोस्तों, अगला टॉपिक आता है कि पे स्केल, सैलरी, जॉब के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। ग्रेजुएट हुआ हूँ, कितना पैसा मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, कितना पैसा मिलेगा, इतने साल का एक्सपीरियंस है सर, कितना पैसा दोगे। सर, ये डिपेंड होता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, कौन से डिग्रीज, कौन से कोर्सेस आप करके बाहर निकल रहे हो। डिपेंड होता है कि आपका पुराना पैकेज कितना था। डिपेंड है वो कंपनी कौन से स्टेज पे है, या फिर उन कंपनी की पॉलिसीज कैसी। अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसीज होती है, उस डिजिग्नेशन के लिए उन्होंने एक कट ऑफ लगाया हुआ होता है कि भाई इस डिजिग्नेशन के लिए इतना ही पैसा देंगे। हो सकता है सेम डिजिग्नेशन के लिए दूसरे कंपनी में अलग पैसा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, फ्रेशर हो तो अपॉर्चुनिटी देखो। मान लो आप फ्रेशर हो, एक कंपनी में आपको एक आपकी टारगेटेड कंपनी है, है ना, आपकी आइडियल कंपनी है, उसमें आपको जॉब मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ फटाक से कर लो, है ना। वो हो सकता है आपका कि भाई शुरुआती सिखाने का पैसा दे रहे, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो पहले 2-3 साल तक सीख लो, बिना पैकेज को देखे सीख लो, है ना। जब आपके हाथ में कुछ ऐसा होगा, आपके हाथ में एक्सपीरियंस होगा, आपके हाथ में बहुत सारा नॉलेज होगा, तो ठान के बैठो कि भाई अब मेरे पास ये है, अब बता कितना देगा। प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा ये फ़ायदा है कि पे स्केल के लिए कोई लिमिट नहीं है, है ना। फाड़ू पैकेज मिल सकता है। हम अलग अलग टीवी चैनल्स पे, अलग अलग न्यूज़ पे देखते हैं कि भाई इतने लाख का पैकेज मिल गया, उतने लाख का पैकेज मिल गया, इसका प्लेसमेंट हो गया, उसका प्लेसमेंट हो गया, गूगल ने इतने करोड़ का पैकेज दे दिया। तो प्राइवेट सेक्टर में पे स्केल लिमिट नहीं है, पे स्केल के लिए। लेकिन मैं आपका और एक मुद्दा क्लियर करूँगा कि फ्रेशर से ही जॉब करे, या फिर MBA करके सिलेक्ट हो जाए, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करे, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, डिपेंड करता है आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। हो सकता है मैं एक बंदा हूँ, भाई MBA करने के लिए नहीं है मेरे पास पैसे इतने, अभी नहीं पढ़ सकता, ज़रूरत है जॉब करने की, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर बेटर ऑप्शन है आपके लिए, फ्रेशर से ज्वाइन कर लो, है ना। 2-3 साल के बाद एक्सपीरियंस के साथ पैसा बढ़ेगा। अगर आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद अपना जो सिलेक्टेड फील्ड है, जिस सेक्टर मैंने अभी बताया, उन सेक्टर में स्पेशलाइजेशन करो। तो स्पेशलाइजेशन क्या करेगा, आपको 100 लोगों से थोड़ा सा अलग करेगा, है ना। 100 लोगों के रिज्यूमे आएगा तो यहाँ पर पता चलेगा भाई इसमें कोर्स किया है, इसे ले लो। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं है, और ये फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि इसका उसका सुन के डिसीजन ले लेते हैं। लाइफ का डिसीजन है, 1-2 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाओ, सोचो मेरे को क्या करना है, विथ रिसर्च, विथ मेट्रिक्स सोचो कि डाटा क्या कहता है, स्कोप कहाँ जाएगा, और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पीछे क्या है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो पे स्केल के लिए मैं बोलूँगा कि ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, कम शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है। होप कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस प्रेजेंटेशन का, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अभी है, स्किप मत करना, कि कैसे हायर होना है, कैसे कंपनी में हमें जॉब मिल सकता है, मुझे मिल गई कंपनी, मिल गई, यहाँ पर हायरिंग चल रही है, मैं इंटरव्यू के लिए गया, मुझे सिलेक्ट कैसे होना है। और मैं बता रहा हूँ, 1000 में से 999 लोग यही गलती करते हैं। तो सुनना, 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट है कि आपको क्लियर होना जरूरी है, मेरे को करना क्या है। हज़ारों कंपनियाज है, हज़ारों कंपनी में अलग अलग जॉब्स है, आपको करना क्या है। मतलब वही काम करो जो आपको पसंद आता है, वो काम मत करो कि जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ उस पर्सनली, वही काम करो जिस जो आपको आता है, जिसका आपको पैसा मिलता है, और जो आपका इंटरेस्ट है। ये तीन अगर कंबाइन कर देते हो ना, तो लाइफ बहुत आसान बन जाती है। तो गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, है ना।
दूसरा पॉइंट आता है कि रिसर्च योर टारगेट कंपनीज। हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम सिंपली जाते हैं कि भाई यहाँ पर ओपनिंग है, घुस जाओ अप्लाई कर दो। उस कंपनीज का रिसर्च करो कि इस फैकल्टी में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, उन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उन कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन से आपको पता चलेगा कि उस डेजिग्नेशन के लिए कितना पैसा मिल सकता है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कुछ एक्सपीरियंस है, जो कुछ MBA वगैरह करके जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पर कितना रुपया मिल सकता है। तो उस कंपनी का रिसर्च करना मत भूलना, और ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको, आप नहीं करते हो। तीसरा पॉइंट आता है कि रेज्यूमे। रेज्यूमे बहुत मैटर करता है। सर मेरे पास 100 रेज्यूमे बैठे हैं, मतलब मान लो इस टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास 100 रेज्यूमे हैं। देखते ही अगर मुझे ये ब्लैक एंड वाइट कुछ कॉपी दिखाई दे रही है, इधर उधर कुछ लिखा है और फोटो नहीं लगाया है और कुछ हटके नहीं दिखेगा ना, तो अगर आपके पास स्किल भी होगा, आपके पास क्वालिफिकेशन भी होगा, तो वो 10-15% मैटर करता है कि वो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए। तो रिज्यूमे रिव्यू करना, रिज्यूमे को बार बार अपग्रेड करना, और 100 लोगों में से हटके रिज्यूमे बनाना अपने आप में आपको चांसेस बढ़ाएगा कि जॉब में हायर होने के लिए। चौथा पॉइंट आता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को बिल्ड करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक LinkedIn है, Indeed है, और LinkedIn तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे ऊपर रखो, क्योंकि आपने जो टारगेटेड कंपनियां सिलेक्ट की होगी, उस टारगेटेड कंपनी के डायरेक्टली एम्प्लॉय के कनेक्शन वहां पर आपको मिल जाएंगे। HR होगी, सीनियर मैनेजर हो गए, जूनियर मैनेजर हो गए, तो अगर उनके साथ कनेक्शन आपका बन जाता है और उनका काम आपको दिख जाता है, तो चांसेस बहुत सारे बनेंगे कि मतलब बिना अप्लाई के आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये हम करते नहीं है, तो अच्छे काम को दिखाना भी चाहिए। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है कि बिल्ड, कल्टिवेट एंड यूटिलाइज योर नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स। मतलब ये अपने आप में एक शॉर्टकट माना जाता है कि अगर किसी बड़ी कंपनी में आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है, फ्रेंड्स है, कोई सीनियर है, आप कोई प्रोफेसर है जिनका कोई कनेक्शन है, ये कनेक्शन जिसे हम रेफरेंस बोलते हैं, तो बहुत मैटर करता है। एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, आपके एफर्ट्स मिनिमाइज कर देता है। अगर कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स है तो मैं श्योरली आपको कहूँगा कि उनको यूटिलाइज करो, लेकिन कुछ आपके हाथ में होने के बाद यूटिलाइज करो, क्योंकि उनका रेफरेंस, उनका क्रेडिट भी बहुत मायने रखता है, लेकिन इसको यूटिलाइज करना एक आपके लिए शॉर्टकट बन सकता है। इसके बाद में 6th नंबर पे आता है कि भाई कितने एप्लीकेशन करने चाहिए। मतलब अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई क्यों ना तू आज 100 कंपनी में अप्लाई कर दे। कोई लिमिट नहीं है ना, पैसा थोड़ी ना मांग रहा है आपको। मतलब 4-5 आप एप्लीकेशन कर देते हो और 1 महीना वेट करते हो कि नहीं नहीं मम्मी पापा मैंने एप्लीकेशन कर दिया और आएगा, उनका रिप्लाई आएगा। नहीं भाई, तूफान जितने एप्लीकेशन कर सकते हो करो, अलग अलग वेबसाइट पे जाओ, करियर कॉर्नर में जाके एप्लीकेशन करो, LinkedIn में अलग अलग कनेक्शन के ऊपर वहाँ पर मैसेज में एप्लीकेशन कर दो, अलग अलग वेबसाइट आपको मिलेंगी जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन के लिए लिमिट नहीं रखना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एप्लीकेशन करने हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई ना कोई आपको रिप्लाई आएगा। उसके बाद में आता है कि आपको कुछ मॉक इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी होगी, कि ब्लैंकली किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए मत जाओ। खुद आईने के सामने या फिर किसी फ्रेंड के सामने या फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा दो कि मेरा मॉक इंटरव्यू कैसा रहेगा, किस तरह से मुझे पर्सनली मेरे बारे में बताना है, किस तरह से मेरा क्वालिफिकेशन बताना है, किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस बताना है, मेरे अचीवमेंट कैसे मुझे बताने हैं, एक्सपेक्टेशन मुझे कैसे बताने हैं। YouTube के ऊपर फ्री में आपको अलग अलग इसके वीडियो मिल जाएंगे, तो मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपके चांसेस बढ़ा देगा कि ये आपको लोगों से हटके थोड़ा सा बिठाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी वहाँ पर बढ़ा देगा। उसके बाद में कुछ सब पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मान लो एक कंपनी मैंने अप्लाई कर दिया, उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या करेगी वहाँ पर, मतलब क्लोज कैसे करना है। तो मैं बार बार कहूँगा कि कोई भी कंपनी अगर आपको रिजेक्ट भी करती है तो भी उसको एक थैंक यू लेटर भेज दो कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे एक इंटरव्यू के लिए चांस दिया, भले उसमें मैं रिजेक्ट हुआ लेकिन वो भी रिजेक्टेड वाला इंटरव्यू मुझे बहुत कुछ सिखा के जाएगा, जो भी चीज़ें मैं फुलफिल नहीं कर पाया उसको और तैयारी के साथ अगली कंपनी में अगले अपॉर्चुनिटी के साथ में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा मार्क देता है वो, मतलब ये करना मत भूलिए, हो सकता है कि वो वाला बंदा जिसने आपको रिजेक्ट किया वो आपको हायर कर। फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, कंपनी में वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, करियर कॉर्नर में एक मेल डाल देते हैं और बाद में फॉलोअप नहीं लेते। मैं बोल रहा हूँ कि करो ना, एटलीस्ट 3 बार एक एप्लीकेशन का फॉलोअप लेना चाहिए। 2 बार करो, 3 बार करो, 3 बार भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, लेकिन एक एप्लीकेशन के लिए 3 बार फॉलोअप लेना
बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दोस्तों आज एप्लीकेशन किया कल जॉब नहीं मिल सकता, दिमाग में रखना है कि भाई जॉब मिलने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना कि गलत कंपनी में गए, 6 महीने किया, काम नहीं हो रहा है, रिटर्न आए, फिर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। किसी भी जॉब हायरिंग के लिए वक्त लगता है, तो वो वक्त निकाल के आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल होना है और अगले इंटरव्यू के लिए, अगले जॉब एप्लीकेशन के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, कोशिश बहुत की कि मैंने कुछ रिसर्च वाले पॉइंट्स आपके सामने रखने की, जय ना गुड लक आपके करियर के लिए। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है मेरा मेल आईडी आपको मिले, उस मेल आईडी के ऊपर अगर आपके पास कोई एग्री ग्रेजुएट, फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस लोगों के रिज्यूमे हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं ट्राई करूँगा कि कहीं ना कहीं पर वो अपॉर्चुनिटी हो तो आपको रेफरेंस देने की ज़रूर ट्राई करूँगा। दूसरी चीज़, जितनी भी चीज़ें अभी आपने देखी वो चीज़ें एक शांति से बैठ के नोट कर लो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, फ़ायदा ज़रूर होगा। जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा चैनल दिख रहा है, सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।